Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohith here and welcome to the test book, guys. Sabi log mujadek parentsun pariba confirmation inge. Sabi log mujadek parentsun pariba confirmation do yaar. Is audibility absolutely fine to each and everyone? Jelly fast. Am I audible? Is it visible? Is audibility absolutely fine to each and everyone?

हर दिन बेटा मंडे से लेके फ्राइडे तक हम मिलते हैं शाम को चार बजे से लेके छह बजे तक और चार बजे से लेके पांच बजे तक जो हमारा सेशन होता है गाइस इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम अदर एग्जाम्स के लिए मिलते हैं और पांच से छह हमारा डेडिकेटेड एसएससी जेई का सेशन होता है राइट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस सैटरडे संडे को हमारा मैराथन सेशन होता है और रोज रात को गाइस दस बजे में आप लोगों के सामने साइंस के सेशन के लिए भी मिलता हूं इन सभी सेशन के अलावा गाइस आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लियर जिसका नाम है मोहित का संस्ट बुक तो ये टेलीग्राम चैनल है तो जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को सारी चीजें मिलती रहे जैसे कि क्लास का पीडीएफ हो गया या मैं लाइव आने वाला हूं तो लाइव के लिए आप लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बाकी की चीजें भी एग्जीक्यूट हो प्रॉपर तरीके से बाकी की चीजों का मतलब होता है कि यार आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप लोग मुझसे पे बात कर सकते हैं राइट अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पता नहीं क्या चलिए कोई नहीं मैं ओपन करके दिखा दूंगा बाद में आपको चलो कोई नहीं चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं भाई एकदम मचाने के लिए क्लैरिटी है क्या एब्सोल्युटली फाइन सर तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आज आपकी स्क्रीन पर ये रहा जल्दी करेंगे जल्दी 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 फटाफट क्या, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है बेहतरीन 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 बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलिए तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से और आग लगा देते हैं स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से और आग लगा देते हैं तो एक बार दिल से टेलीग्राम पे शेयर हो जाना चाहिए वी आर लाइव नाउ करके और फिर अपन लोग मचा देते हैं एकदम अलग ही लेवल पे क्लैरिटी है क्या यस सर तो यार एकदम आग लगाने वाला काम करना है ठीक है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है सर आप मेरे सपने में आए थे और जाते टाइम मेरे घर वाले आपको एक कैरेट टमाटो दिए गजब का सपना था सर बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हो चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं क्लैरिटी है या सर क्लैरिटी है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग कपल्ड कॉइल्स बेटा कपल्ड कॉइल्स के रिगार्डिंग करेक्ट रिलेशन क्या है अगर मान लेता हूं मेरे पास दो कॉइल्स हैं बेटा दोनों कपल्ड फॉर्म में है एक कॉइल मेरे पास ये है बेटा और एक कॉइल मेरे पास ये है अब ये मेरा पास L1 है ये मेरे पास L2 है और इन दोनों के बीच में बेटा म्यूचुअल कपलिंग यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है M और इनके बीच की ऑफ कपलिंग है K तो अब आपको बताना है इनमें करेक्ट रिलेशनशिप क्या है जल्दी बोलेंगे इनके बीच का कलेक्ट करेक्ट रिलेशनशिप क्या है जल्दी फटाफट करेंगे जल्दी 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 फास्ट क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात क्या बात क्या बात है 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 बेहतरीन बेहतरीन चलिए तो गाइज आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है बेटा m अपॉन अंडर रूट ऑफ l1 l2 m अपॉन अंडर रूट ऑफ l1 l2 ये बेसिकली गाइस हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है ध्यान रखिएगा तो यार अगर ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है तो हमेशा याद रखना बेटा के की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है सारे बच्चों को पता है अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है तो m का वैल्यू जो होता है वो अंडर रूट ऑफ l1 l2 से क्या होता है छोटा होगा मतलब ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा तो एम एम इज लेस देन टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ एल वन इंटू एल टू होगा क्लियरिटी है क्या यस yes, सर बेटा वेस्ट बंगाल ये जो मेरा सेशन चल रहा है आप मुझे बताओ ये सेशन किस चीज के लिए है जितेन जी बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल पीएससी के पीवाईक्यू करा दो आप मुझे बताओ बेटा ये सेशन किस चीज के लिए ये जो मैं क्लास ले रहा हूं अभी ये क्लास कौन से एग्जाम के लिए वेस्ट बंगाल पीएससी का पेपर इसी महीने है मुझे पता है मोहित सर से ज्यादा इलेक्ट्रिकल की क्लास वेस्ट बंगाल पीएससी के लिए किसी भारत के अंदर कहीं पे भी नहीं हुई है ये भी मुझे पता है ठीक है आपके लिए डेडिकेटेड वेस्ट बंगाल पीएससी की क्लासेस लेता आ रहा हूं अब आप मुझे बताइए ये, ये क्लास किस चीज के लिए है तो बेटा क्या होता है ना आपको लगता है कि यहां पे वेस्ट बंगाल पीएससी लिख दो ना सर तो हमको मजा आ जाता है बेटा दिखावे पे मत जाओ दिखाने में तो दुनिया ने बहुत कुछ लोगों को गलत चीज दिखाई है मेरा ये सेशन इंडिया के हर जेई एग्जाम्स के लिए होता है आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया होगा क्या पता ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पीएससी का ही क्वेश्चन आया हुआ हो क्लियर ठीक है तो बेटा ये मत सोचो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं क्लासेस को करके आप लोग आपको अपने एग्जाम देने जाना है ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन इन एसी एसी नेटवर्क नेटवर्क जब हम एक की बात करते हैं तो जो लोड लोड हमारा कनेक्ट होता होता है वो 10 10 होता है। वो फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड थ्रू विल बी। जल्दी बोलेंगे फटाफट फास्ट जले, 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 जले फास्ट। क्या बात है बहतरीन, बहतरीन। तो यकीन मानो बहुत अच्छी चीज की अनुभूति होगी ठीक है चलिए तो पे देखेंगे बेटा सबसे पहले हमारे पास ये टेन ओम का रजिस्टर है और ये हमारे पास जे टेन ओम है ठीक है ओके सर आपको बताना है कि बेटा इसमें फेज रिलेशनशिप कितना होगा तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे सबसे पहले एंगल की तो यार जो फेज हमारा एंगल होता है ना हमारा जो फेज एंगल होता है वो होता है टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल इमेजिनरी रहा रियल रहा इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे तो जो फाइव हमारा निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा जाएगा वो इनवर्स इनवर्स ऑफ ऑफ अब बेटा 10 inverse of 1 जो होता है ना बेसिकली इसी को 45 बोलते है. क्या बोलते हैं हैं क्या इसको 45 डिग्री बोला जाता है तो बेटा हमारा जो फेज एंगल निकल के आ रहा है वो फोर्टी फाइव डिग्री निकल के आ रहा है बहुत प्यारे सर जब हमारा फेज एंगल फोर्टी फाइव डिग्री निकल के आ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा क्या वोल्टेज हमारा करंट से लीड करता है क्या करंट वोल्टेज से लीड करता है अगर जिंदगी में बेटा इंपीडेंस में बीच में पॉजिटिव साइन हो जिंदगी में अगर बीच में इंपीडेंस में पॉजिटिव साइन हो तो समझ जाओ क्या होने वाला है लैगिंग होने वाली है और जिंदगी में बीच में अगर माइनस साइन हो तो समझ जाओ कि क्या होने वाली है लीडिंग होने वाली है तो एक बात तो सही आ गई कि आज आज हमारे पास प्लस साइन है तो लैग तो होगा हो ही होगा लेग के साथ साथ हमारा एंगल जो निकल के आ रहा है वो 45 डिग्री का है इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमारा हमारा जो जो करंट करंट है 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 ना वो होगा 45 डिग्री से तो बेटा वोल्टेज क्या करेगा लीड कर जाएगा 45 डिग्री से वर्ड लेग और लीग वैलिड होता है करंट के लिए तो अगर आज करंट लेग कर रहा है तो वोल्टेज क्या करेगा लीड करेगा तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मशीन शोन इन दर्किट सर्किट इस सर्किट के अंदर नीचे दिए गए परिपथ में बताइए कि ये किस तरीके की मशीन है क्या ये जनरेटर है क्या क्या ये ये मोटर है ये क्या है आपको बताना इसको देखते सही कि ये क्या चीज है चलिए बताएंगे चलिए और यकीन मानो बे अगर रैंक लाने के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो अगर आ, अगर तुमको लगता है कि तुमको रैंक लानी है एसएससी में तो पढ़ो और अगर तुमको लगता है पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो यकीन मानो छपरी यूट्यूबर से पढ़ो जाके कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के लिए बहुत लोग हैं तीन लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे बेटा तीन लाख बच्चे कितने तीन लाख बच्चे उनमें से रैंक वन एक का ही आएगा और रैंक टू भी एक का ही आएगा और रैंक थ्री भी एक का ही आएगा और रैंक फोर भी एक का ही आएगा रैंक हंड्रेड भी एक का ही आएगा सीट भी दो ही है ठीक है तो अगर रैंक लाने के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़े रहो पढ़ो यकीन मानो पेपर के एक दिन पहले तक खड़ा हो और अगर से पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो कि फॉर्म भरा है तो पढ़ना है है ना तो फिर तो दुनिया है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है क्लियर चलिए रैंक लाने के लिए पढ़ना है भैया तो रैंक लाने के लिए पढ़ना है तो क्लास में अवेलेबल रहे ठीक है चलिए तो यहाँ पे देखेंगे यहां पर बेटा सबसे पहले तो आपके पास से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है अगर आपके पास से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो बाय डिफॉल्टेड ये आर्मेचर करंट है ये ऊपर की तरफ जाएगा ओके और आज आपके पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी अवेलेबल है और आज आपके पास शंट फील्ड वाइंडिंग भी अवेलेबल है जिस मशीन में दोनों वाइंडिंग अवेलेबल होती है उसी मशीन को बोलते हैं कंपाउंड मशीन क्या बोलते हैं उसको कंपाउंड मशीन बोला जाता है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है इसको कंपाउंड मशीन बोला जाता है और अगर मशीन से करंट बाहर जा रहा है और लोड की तरफ जा रहा है तो ये जनरेटर है मशीन अगर लोड को करंट ट्रांसमिट कर रही है तो वो क्या होता है जनरेटर होता है तो ये कैसा जनरेटर है कंपाउंड जनरेटर और बेटा अगर ये बड़ा वाला शंट ऐसा लग रहा है पे तो ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है आपके साथ ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन लीस्ट डिपेंड अपॉन एक यानी कि हानि सबसे कम किस चीज पर निर्भर करती है जल्दी बोलेंगे जले एक शैथिल्य हानि किस चीज पर डिपेंड करती है जल्दी बोलेंगे एक शैथिल्य हानि किस चीज पर डिपेंड करती है एक शैथिल्य हानि जो होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है एक शैथिल्य हानि जो होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फ्रीक्वेंसी तो बेटा शैथिल्य हानि यानी कि हमारे हो गए हिस्टेरिस होता है के एच ए इंटू एफ इंटू बी एम टू पावर ऑफ एक्स के एच इंटू एफ इंटू बी एम टू पावर ऑफ एक्स इसमें के एच के एच ही है जो कि हमारा किस पे डिपेंड करता है बेटा हमारा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पे

बेटा निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ घटक परिपथ वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो चेंज इन वोल्टेज को विरोध करता है एक ऐसे परिपथ का नाम बताइए जो चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारे वोल्टेज में चेंज आ रहा है समय के रिस्पेक्ट में तो इसको अपोजिशन देने का काम करता है अगर बेटा इसको अपोजिशन मिल गया तो ये एलिमेंट कंफर्म है कौन सा होगा मेरे लाल ये कैपेसिटर होगा

एच के अंदर आता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल भी डिपेंड कर रहा है लेकिन तापमान पे डिपेंड नहीं कर रहा अगर आप इसको बड़ा बड़ा आंख से चार बार देखोगे तो इसमें कहीं पे भी आपको तापमान देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पे पूछा था लीस्ट डिपेंड अपॉन तो लीस्ट डिपेंड में क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर हो जाएगा बहुत बढ़िया सर सर एक बार और कर दें क्या इसको एक्सप्लेन चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट फाइंड द एच एच मतलब क्या होता है बेटा एच मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्क्यूलर कॉइल कॉइल ये रही ठीक है इसका डायमीटर एक मीटर का है इसका डायमीटर कितने का है एक मीटर का है तो बेटा इसकी रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी <laughs> रेडियस आ जाएगी इसकी वन बाय टू मीटर अब हो क्या रहा है इस भाई साहब के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है दो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है आपको बताना है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है इसके सेंटर पर ये जो सेंटर है ना इस पर एच का वैल्यू कितना होगा आपको ये बताना है इस पर एच का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है अगर आप ये बता पाते हो तो यानी कि आप परिपक्व हो चुके हो उसके, उसके अंदर बहुत बढ़िया तो अगर बेटा आपको एच का वैल्यू उसके अंदर बताना है तो सेंटर पर तो एच का वैल्यू जो होता है वो होता है बेटा आई अपॉन टू आर कितना होता है आई अपॉन टू आर और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर क्या होती है बेटा एम्पियर पर मीटर क्लियर अब यहाँ पे आई देख लो कितना है भैया दो एम्पियर है डिवाइडेड बाय दो है और रेडियस कितनी है भैया वन बाई टू है तो उसे कैंसिल हो जाता है तो हमारा आंसर कितना आ जाता है दो आ जाता है तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर क्या ये बात समझ में आती है एब्सोल्युटली फाइन सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर ये क्वेश्चन इस बार एस एस सी जेई में आने वाला है कि एनएचपीसी में ये क्वेश्चन एज इट इज टी एच डी सी में आने वाला है नोट करके रख लो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो एनएचपीसी और टीएचडीसी का इस साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये जो आने वाला है 12 जुलाई का दिन था और मोहित सर ने क्लास में बोला था चार बजे वाली क्लास में चार बज के सत्रह मिनट पर क्वेश्चन आपको आज के इस बार एनएचपीसी के पेपर में मिलेगा रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाई इंसिडेंट लाइट क्या होती है कोई भी लाइट बेटा जब रिफ्लेक्ट हुई जैसे कि मान लो ये हमारी टेबल रखी है टेबल को क्या बोलते हैं वर्क क्या बोलते हैं वर्क ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट जिसपे आप कार्य कर रहे हो ये हमारी टेबल है

समझा समझा, सर वैल्यू वन पॉइंट समझा यस सर आगे बढ़े यस सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब विद्युत घर्षण नहीं बोलते घर्षण मतलब फ्रिक्शन होता है कर्षण एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कोइफिशियंट ऑफ अडेशन की को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कोइफिशियंट ऑफ अडेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जल्दी बोलेंगे चले एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ अडेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को कोएफिशिएंट ऑफ अडेशन में कोएफिशिएंट ऑफ अडेशन में कोएफिशिएंट ऑफ अडेशन में

एग्जैक्ट डेट बता देंगे वो तो आपको आई बी जी आई यू की डेट बता दिए फिर बोले सत्ताइस जुलाई को पेपर होगा ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वाले बता देते हैं पेपर कब होगा मैं मेरे से पढ़ाई कर लो मैं सिलेक्शन दिला दूंगा इतना मेरे को पता है पेपर चाहे अगले महीने हो जाए चाहे उसके अगले महीने हो जाए ठीक है तो बाकी यूट्यूब में आपको बता देंगे उनका बहुत इंटरनल सोर्स रहता है भैया अंदर है ना बहुत इंटरनल सोर्स रहता है उनका बस पढ़ा नहीं पा रहे वो लोग बाकी का सब काम कर देते हैं वो चलिए स्प्लिट फेस कैपेसिटर एंड शेडेड पोल सिंगल फेस मोटर क्लासिफाइड एस जल्दी बोलेंगे चले मैं सिलेक्शन दिला दूंगा ये इसमें मैं माहिर हूं ठीक है विकास बर्मन बेटा बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन वापस आया है हैं बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन आया है ठीक है तू ये बोल रहा है कुछ नया क्वेश्चन लाओ कल तू था क्लास में हैं बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन आया बेटा चल एक स्प्लिट फेस कैपेसिटर एंड शेडेड पोल मोटर जो होती है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एक स्प्लिट फेज और कैपेसिटर और शेडेड पोल मोटर ये सारी की सारी मोटर हमारी किस कैटेगरी में आती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में आती है किसमें आती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में आती है क्लियरिटी है. है क्या तो बेटा ऐसा नहीं होता कि आप कोई क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है आपको कि भैया हमारा है ना कुछ ना रिसर्च कर लिया करो सर तो रात में फिर कुछ लाया करो एग्जाम में भी बेटा वही आएगा जो पढ़ा रहा हूं इतने साल से है ना तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आप ही के लिए अच्छा है दैट इज फॉर योर रिविजन आप मुझे बताओ आप जब अपना दसवीं बोर्ड का पेपर देने गए थे तो रिवीजन करके गए थे कि ऐसे चले गए थे। अरे सर आपने तो प्री बोर्ड में भी वही दिया था तो वही बोर्ड में थोड़ी ना आ जाएगा ऐसा होता है क्या है ना तो ऐसा नहीं करना चलो तो बेटा स्प्लिट फेस कैपेसिटर एंड शेडेड पोल सिंगल फेस मोटर क्लासिफाइड एज दैट इज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प एम्प्लॉय बाई मेटेलिक स्ट्रिप्ट किस लैंप में बाई मेटेलिक स्क्रिप होता है जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं ना उनमें से भी कुछ बच्चे भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे जल्दी बोलेंगे जल्दी गगन सिंह जी आपको सर्किट सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे अचीवर्स बैच बेटा एप्लीकेशन पर मेरा बैच चल रहा है लाइव बैच उसका नेटवर्क पूरा पढ़ लो सारी सर्किट सॉल्व हो जाएंगी ठीक है उसका नेटवर्क पढ़ लो 19 जून से स्टार्ट हुआ है आप पढ़ लीजिए हजारों बच्चे रोज क्लास देख रहे हैं आठ से भी ज्यादा बच्चे रोज लाइव रहते हैं और करीब करीब अस्सी से ज्यादा बच्चे उसकी क्लास देख रहे हैं तो देख लीजिए आपका आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप एम्प्लॉय अ अटलिक स्ट्रिप तो बेटा जो आपकी ट्यूबलाइट होती है ना जिसको आप लोग बोलते हो फ्लोरोसेंट लैंप आपकी जो ट्यूबलाइट होती है जिसको आप लोग बोलते हो फ्लोरोसेंट लैंप तो आपकी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें एक स्टार्टर लगता है ये जो स्टार्टर होता है ये दो टाइप का होता है एक होता है ग्लो टाइप का जिसमें लाइट जलती है और एक होता है थर्मल टाइप का जिसमें लाइट नहीं जलती टेम्परेचर पे काम करता है स्टार्टर का काम क्या होता है वो एक अलग चीज है लेकिन ये दो तरीके के स्टार्टर इसमें यूज किए जाते हैं थर्मल टाइप का जो स्टार्टर होता है बेसिकली वो बेसिकली क्या यूज करता है बाइमेटेलिक स्ट्रिप को यूज करता है और इसी के लिए हम वो कहां पे यूज करते हैं इसको फ्लोरोसेंट लैंप में यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो इंडक्टर हैं चार हेनरी और छह हेनरी के इनको सीरीज में लगाया जाता है तो इनका इक्विवेलेंट प्रेरण प्रेरण यानी कि प्रेरक कितना होगा तो यहां पे देखेंगे आप लोग बेटा दो इंडक्टर है आपके पास एक इंडक्टर ये है एक इंडक्टर ये है ये इंडक्टर चार हेनरी का है ये इंडक्टर छह हेनरी का है दोनों को अपन ने सीरीज में लगा दिया है जब दोनों को सीरीज में लगा दिया तो दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना निकलेगा तो चार और छह मिलके कितने हो जाएंगे दस हेनरी हो जाएगा सर ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या हां भाई ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेनरी लेट टी बी टीबी दीजिए नया क्वेश्चन लेट टी बी द नेट टॉर्क डेवलप बाय द रूटर रन ओमेगा रेडियन पर सेकंड व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप तो मैकेनिकल पावर कितना डेवलप होगा जल्दी बताएंगे लेट टी बी द नेट टॉर्क डेवलप्ड बाय द रोटर रंस एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड रन एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड रंस एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड तो बेटा यहां पर याद रखना हमारी जो पावर होती है ना पावर वो होता है बेटा टॉर्क इंटू ओमेगा हमारी जो पावर होती है वो क्या होता है टॉर्क इंटू ओमेगा होता है

अगर वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 250 फिफ्टी मेगा ओम है तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी चलिए बोलेंगे अगर वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 250 फिफ्टी मेगा ओम है तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी सारे तोते इसी क्लास में घुस चुके हैं 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 तोते और तोतियां दोनों इसी क्लास में हैं। अगर एक वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 250 मेगा ओम है तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी ये सवाल था तो 250 मेगा ओम और 250 मेगा ओम जब दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो ये बनेगा 125 का मेगा ओम कितना बनेगा 125 का मेगा ओम अब ऊपर है ढाई मेगा ओम नीचे है एक मेगा ओम तो अगर मुझे वोल्ट मीटर के पास का वोल्टेज चाहिए तो मुझे इस कॉम्बिनेशन के पास का वोल्टेज चाहिए तो अगर मैं वोल्टेज डिवाइड रूल लगाऊंगा चौबीस इंटू एक सौ पच्चीस डिवाइडेड बाय करने जाऊंगा तो हो जाएगा सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस करने जाऊंगा तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा यहां से कितना निकल के आएगा भैया तो ढाई सौ प्लस एक सौ पच्चीस जब करने जाऊंगा तो चौबीस इंटू एक सौ पच्चीस डिवाइडेड बाय डिड बाई टू फिफ्टी प्लस एक सौ पच्चीस तो यहां से आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा एट वोल्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एट वोल्ट इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इज वोल्ट द परफेक्टली अरे ट्वेल्व आएगा सर देखो 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 टेक्स्ट बुक ने भी दिया गधे सवाल पढ़ो पहले क्या लिखा है मैंने क्या बोला था वोल्ट मीटर का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ढाई सौ ओम होगा तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होता तो 12 12 दोनों में डिवाइड हो जाता क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो ये बारह बारह डिवाइड हो जाता लेकिन मैंने आपको बोला वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ढाई सौ ओम है तो ढाई सौ ढाई सौ कितने हो गए एक सौ पच्चीस अब वोल्टेज डिवाइड रूल लगाओगे तो आठ वोल्ट का आंसर आएगा समझ तो गए चलो आ जाइए द करेक्ट आंसर इज एट वोल्ट द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेस लोड कैन बी कैलकुलेट इसलिए बोलता हूं जिंदगी में सामने वाले की बात को पहले सुनना पड़ता है उसके बाद आंसर देना पड़ता है अपने मन की बात को पहले बोल देने से जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं इसलिए पहले सामने वाले की बात को सुन लिया करो और फिर आंसर दोगे तो उस आंसर का प्रभाव बहुत अच्छे लेवल का रहेगा और पहले ही अपने मन की बात बोल दोगे तो उसके बाद फिर है ना क्या होगा वो अभी देख लिया आप लोगों ने ठीक है चलिए पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणों की गणना की जा सकती है यदि एकल फेज उपकरण में क्या चाहिए आपको एक पावर फैक्टर मेजर करना हो आपको एक पावर फैक्टर को अगर बेटा मेजर करना हो तो अगर आपको एक पावर फैक्टर को मेजर करना हो तो आपको किस किस चीज की जरूरत है आपके पास जो सर्किट है वो सिंगल फेज की है यार दुनिया जानती है पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू करंट मतलब अगर एक वाट मीटर अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा यस yes, सर एक वोल्ट मीटर मिल जाएगा तो वोल्टेज पढ़ लेगा एक एमीटर मिल जाएगा तो एमीटर पढ़ लेगा और एक वाट मीटर मिल जाएगा तो पावर पढ़ लेगा तीनों को डिवाइड मार देंगे तो हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान इन वर्किंग आवर निम्नलिखित में से कौन से लैंप में कार्य समय यानी कि सबसे कम लाइफ होती है जल्दी बोलेंगे जले जले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मचा दिए भाई मचा दिए एकदम मचा दिए क्या बात है चलिए तो बेटा इनमें से कौन सा ऐसा लैंप है जिसकी सबसे कम लाइफ स्पान है सबसे कम अगर लाइफ किसी की है तो बेटा वो किसका है इनकेडेसेंट लैंप एक इनकेडेसेंट लैंप वो होता है बेटा जिसकी सबसे कम लाइफ है करेंट सोर्स इज एक्टिव इन द सर्ट फाइंड द करेंट थ्रू दजिस्टर जब इसके अंदर सिर्फ करेंट सोर्स एक्टिव होता है तो आपको करंट निकालना है दस ओम रजिस्टर में से अगर इसमें सिर्फ करंट सोर्स एक्टिव होता है तो आपको दस ओम रजिस्टर में से करंट कैलकुलेट निकलना है क्या सवाल है बेटा दस ओम रजिस्टर है ना आपको यह बोला गया अगर ये करेंट सोर्स ही एक्टिव है और कुछ भी एक्टिव नहीं है तो आपको यहां पर करंट कैलकुलेट करना है इस 10 ओम रजिस्टर के अंदर एक एक बच्चे का सही आंसर आना चाहिए सोडियम वेपर लैंप और मर्करी वेपर लैंप दोनों में से कौन सा फ्लड लाइटिंग के लिए यूज होता है मकरी वेपर लैंप को मोस्टली फ्लड लाइटिंग के लिए यूज करते हैं बट अगर मर्करी अवेलेबल नहीं तो सोडियम भी कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास गाड़ी पंचर हो जाए तो आप पैदल भी जा सकते हो अगर आपको जाना हो तो साइकिल भी चला सकते हो वो वाली कंडीशन ठीक है चलिए तो बेटा इसमें यह बोला गया था कि अगर सर्किट मतलब अगर वोल्टेज सोर्स डीएक्टिव हो गया तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट हो गया तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा अगर वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया 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 तो हमेशा याद रखना बेटा ये करंट सोर्स जो है ना मेरे लल्ला ये जो करंट सोर्स है ना ये जो करंट सोर्स है ना मेरे लल्ला ये क्या करेगा ये डिवाइड होगा दो में इसमें भी और इसमें भी दस एम्पियर में ये दोनों पैरेलल हो गए दस एम्पियर में जाने वाला करंट कितना हो जाएगा दो इंटू पांच डिवाइडेड बाय पंद्रह यानी कि दो बटा तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू बाय थ्री इसमें जाएगा तो टू बाय थ्री ऑप्शन में है क्या यस सर टू बाय थ्री कोई प्यार से क्या बोलते हैं जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स बोलते हैं क्लियरिटी है यस सर क्लियरिटी नेक्स्ट डैश पावर प्लांट इज द प्लांट विच यूजेज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वह कौन सा ऊर्जा संयंत्र है बेटा जो गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग है ना गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो उपयोग है वो करता है दीपमित आ जाएगा बेटा आज ही देख लेना आज ही आ जाएगा रात तक ठीक है मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम पे डोंट वरी ठीक है चलिए तो बेटा कौन सा पर्टिकुलर पावर प्लांट है जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता है गैर पारंपरिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेटा पारंपरिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट परंपराओं से चला रहा है थर्मल भी परंपराओं से चला जा रहा है लेकिन ये जो विंड प्लांट है ना ये आज की जनरेशन का पावर प्लांट है है ना बड़ी रोमांटिक प्लेस है आप जाइएगा एकदम आपको मजा आएगा है ना और फोटो खिंचवाइएगा ऐसे करके नहीं आजकल वो दीजिएगा ताजमहल पे जब पुराने जमाने में अपने घर वाले ताजमहल जाते थे आप भी गए होंगे तो ऐसा ऐसा वाला फोटो खिंचवाते थे छोटी कैसे हाथ के तो आप भी जाइएगा कभी विंड मिल तो विंड मिल में आप ऐसा हाथ करिएगा जैसे कि आप ही इसको घुमा रहे हैं आप भी फोटो खिंचवाइएगा जाके हाथ समझ में आ रही है क्या बोला है good the correct answer is wind next two coupled coils with l1 and l2 of 0 0.5 henry have a coupling coefficient of 0 0.75 the turns ratio n1 by n2 will be jale, jale. गर्लफ्रेंड नहीं है सर।, सर घर के पास विंड पावर प्लांट है क्या चाहते हो क्या बोलू चल टू कपल्ड कॉयल्स विद L1 वन एंड एल टू जीरो पॉइंट फाइव हैनरी ऑफ जीरो की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे एक कॉयल आपके पास ये अवेलेबल है और एक कॉल आपके पास ये अवेलेबल है जब ये दोनों कॉइल्स आपके पास अवेलेबल हैं तो ये आपके पास L1 है और ये आपके पास L2 है बेटा जब इन दोनों का इंडक्टेंस बराबर बराबर है तो याद रखना इनके टर्स भी क्या होंगे बराबर बराबर होंगे तो इनके टर्स भी क्या होंगे बेटा बराबर तो टर्न्स कितना हो जाएगा वन इज टू वन इज द टर्न्स रेशियो एक इलेक्ट्रिक हीटर को जब हम कनेक्ट करते हैं दो सौ तीस वोल्ट से इट ड्रॉ अ करेंट ऑफ टू एम्पियर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर विल बी तो हीटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जले 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 चले तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है बेटा हमारे पास और एक इलेक्ट्रिक हीटर की अगर मैं बात करता हूं एक इलेक्ट्रिक हीटर की अगर मैं बात करता हूं तो इस हीटर के ऊपर अगर हमने वोल्टेज देख रखा है कितना 230 वोल्ट और बेटा इस हीटर में जो करंट जाने वाला करंट है वो कितना है टू एम्पियर तो आपको बताना है बेटा इसमें से रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा रेजिस्टेंस होता है बेटा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट

एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कौन से स्टार्टिंग मेथड को हम प्रेफर नहीं करते भैया स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वो मोटर होती है जिसके रोटर साइड से आप कुछ भी उंगली नहीं कर सकते जिसके रोटर साइड से आप कुछ उंगली नहीं कर सकते मतलब रोटर के साथ नहीं खेल सकते तो जहां रोटर लिखा हो उसको कट कर दो तो ये मेथड हम लोग स्क्वायरल के इंडक्शन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है क्लियर स्क्वायरल के इंडक्शन का मोटर जो बेटा रोटर होता है वो बेसिकली कैसा होता है तो आपको पता होना चाहिए रोटर आपका ना क्या होता है एंड रिंग से शॉर्टेड होता है तो आप इसके साथ उसको यूज नहीं कर सकते अगर फील्ड सिंक्रोनस मोटर की अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर कितना होगा तो भाई देख क्या है कुल मिलाकर के मैं हूं सिंक्रोनस मोटर मेरा पावर फैक्टर कौन डिसाइड करेगा मैं खुद डिसाइड करूंगा और अगर आज मुझे बोल रहा है कि मैं अंडर एक्साइटेड हूं अंडर एक्साइटेड का मतलब है आज मेरे पास कमी है मेरे एयर गैप में फ्लक्स की कमी है मतलब मेरे बाल्टी में पानी की कमी है तो मैं क्या करूंगा मांगूंगा जब जिंदगी में कमी पड़ती है तो इंसान क्या करता है मांगता है मैं सप्लाई को बोलूंगा मुझे पानी दे क्यों मुझे अपनी बाल्टी में पानी को फिल करना है मुझे एयर गैप में फ्लक्स दे क्यों क्योंकि मेरे अंदर कम ही है अब मैं मांगने वाला बन गया क्या फ्लक्स इसका मतलब मैं मांगने वाला बन गया मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब मैं क्या बन गया इंडक्टर बन गया मैं इंडक्टर बन, बन गया मतलब लेगिंग पावर फैक्टर समझ तो में आ गया तो बेटा मोहित सर का शॉर्टकट कर ऐसे करके लगाया जाए पेपर में है ना पेपर में आग लगा के आओगे चलिए फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ये क्वेश्चन कल भी करवाया था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है वोल्टेज की रेंज होती है वो कितनी होती है तो भैया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मतलब होता है एस टी एल एस टी एल की जो होती है वो लेस देन ट्वेंटी केवी होती है उसके बाद अगर हम बात करें एम टी एल यानी कि होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ये ट्वेंटी से लेकर हंड्रेड के वी तक होती है ट्वेंटी से लेके कितनी होती है, हंड्रेड केवी तक होती है और तीसरी होती है एल टी एल यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो हंड्रेड केवी से क्या होती है थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है तो बेटा बीस केवी से हंड्रेड केवी तक की जो ट्रांसमिशन लाइन है तो वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही प्यारा सवाल है आराम से टैकल करेंगे इसको जली जली करो लला, जली करो गुड गुड और यार एक बार सेशन को लाइक करके आज 150 क्रॉस करेंगे यार उसके बाद अपन आगे चलेंगे एक बार सेशन को लाइक करके 150 क्रॉस करेंगे जब तक आप वाले क्वेश्चन को करिए चलिए 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 तो यहां पे देखेंगे बेटा दो आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब होता है एक समान तो यहाँ पर देखोगे एक कॉइल आपके, आपके पास बेटा ये है थीके? उसके बाद क्या बोल, रहा है? ये? क्या बोल रहा है दोनों में हजार हजार है, आ, इच फ्लक्स ए वन लिंक विद अनादर कॉइल तो बेटा जितना फ्लक्स ये प्रोड्यूस करता है इसका 80 प्रतिशत फ्लक्स जो है वो कॉइल नंबर दो से लिंक करता है किससे लिंक करता है कॉइल नंबर दो से लिंक करता है कितना परसेंट

Into कितना कितना हो जाएगा 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 बेटा तो ये कितना निकल भाई? Into ये निकल भाई आ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.04 सर क्लैरिटी है सर yes, अब आधे बच्चों को मन में पता पढ़ते पढ़ते कुछ अलग ही चलता रहता है अरे सर फलाना वीडियो चल रहा है सर सर एग्जाम डेट आ गई सर अरे आ गई तो देख लेना ना, उसको भाग जाएगी क्या वो ये मान रखा जीवन सब कोई भाग जाएगी अरे कुछ तो रुकेगी ना तो जो आई है वो रुकी जाएगी डेट आई एग्जाम क्या ना दे देख लेना उसको बाद में क्लास के बाद पहले से मान लिया सब कुछ भाग जाएगी तो फिर जाओ पकड़ो नहीं रुकने वाला कोई मैं पहले ही बोल देता हूं चलो द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क इज डिफाइंडेड कई डिस्को द्वारा गुणा किए गए चालक के निकटतम डिस्क पर चालक वोल्टेज और वोल्टेज के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है बोलेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मदद कीजिए सर माइनिक मैदी नंदी बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लास है ना मेरी मैराथन देख लो यूट्यूब पर सफिशेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ठीक है मेरी जो मैराथन है यूट्यूब पर वो सफिशियंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चलिए तो बेटा कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट कंडक्टर तो बेटा आप यहाँ पे ये देखोगे ये आपके पास क्या अवेलेबल है अगर आप लोग देखते हो प्यार से यहाँ पे तो ये आपके पास बेटा क्या अवेलेबल है जब आप यहाँ पे प्यार से देखने की कोशिश करते हो जब आप यहाँ पे प्यार से देखने की कोशिश करते हो तो ये आपके पास क्या होता है यहाँ पे ये यह आपके पास बेटा क्रॉस आर्म है जब ये क्रॉस आर्म आपके पास अवेलेबल है तो ये आपके पास बेसिकली क्या अवेलेबल है डिस्क अवेलेबल है ये आपके पास क्या अवेलेबल है डिस्क अवेलेबल है अब आपके पास ये सस्पेंशन इंसुलेटर की डिस्क है और बेटा ये नीचे से यहाँ पे क्या निकलता है कंडक्टर निकल के जाता है अब हुआ क्या रहा है रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर तो बेटा पूरे कंडक्टर के पास का वोल्टेज कितना हो जाएगा V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर पूरे कंडक्टर के पास का वोल्टेज मतलब इस टोटल वोल्टेज को वोल्टेज कर देते डिवाइडेड बाय नियरेस्ट टू द डिस्क वाला वोल्टेज यानी कि ये वोल्टेज इनटू अगर मैं करने जाऊंगा

एक ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज क्यों किया जाता है कॉपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए नहीं भैया स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए नहीं भैया प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद नेबरिंग टेलीफोन लाइन यहां बिल्कुल सही बात है तो एक ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज किया जाता है कि आसपास से जो हमारी नेबरिंग टेलीफोन लाइन है आसपास से जो हमारी नेबरिंग टेलीफोन लाइन है उनके अंदर रेडियो इंटरफेरेंस ना हो सर रेडियो इंटरफेरेंस ना हो मतलब क्या होता है रेडियो इंटरफेरेंस ना होगा मतलब ये होता है कि उनके अंदर किसी तरीके का वोल्टेज और ईएमएफ इंड्यूस नहीं फ्लक्स हैं, हैं, तो प्रोड्यूस होता है आपको बताना है कि कॉइल का इंडक्टेंस कितना होगा ठीक है सवाल क्या जरा सुनना एक कॉइल है पढ़ लो मेरे लाल यकीन मानो नहीं तो सीएचएसएल की तैयारी करनी पड़ेगी पढ़ लो बेटा है कोई नहीं तुमको तुमको मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता जिंदगी में याद रखो मम्मी पापा चाचा बुआ ताऊ खाला ताला जितने भी है ना मामू कोई नहीं जानता तुमको जितना मैं तुमको जानता हूँ यकीन मानो वो केवल जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुमसे पूछेंगे क्या हुआ और अगली बार जब सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलेंगे क्या हुआ और तीसरी बार में आपस में बात करेंगे कब से पढ़ रहा है ये कब से पढ़ रही है पढ़ता ही जा रहा है पढ़ती ही जा रही कब तक होगी पढ़ाई है तो वो केवल उतना ही काम करेंगे बस ठीक है तो जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो है ना मेरे से ज्यादा नहीं जानता तुमको कोई यकीन मानो तुम्हारा वाला और तुम्हारी वाली भी नहीं जानते इतना मेरे से ज्यादा तुमको वो भी जब तुमसे बात करेंगे ना तो बोलेंगे अरे ये क्या पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हो ये क्या इधर उधर की बात कर रहे हो थोड़ी देर के लिए तो टाइम मिलता है अपनी अपनी अप, 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 हम अपनी पर्सनल बात करते हैं इसलिए बोल रहा हूं जितना मेरे को मैं जितना मैं जानता हूं ना उतना कोई नहीं जानता ध्यान रखना तो पढ़ लो चुपचाप अ करंट ऑफ कैलकुलेट अगर करना है ना तो वो l i के बराबर होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर इतना पावर ऑफ -6 तो अगर हम L की बात कर लेते हैं L मतलब हमको जो कि निकालना है ठीक है और करंट बात कर लेते हैं तो करंट कितना देकर रखा भाई एट एम्पियर देकर रखा है तो है. So, 5 2 10 हो जाएगा और 1 2 3 पहले से था तो 10 तो की पावर 4 हो जाएगा इंटू टेन की पावर ऑफ माइनस सिक्स पहले इक्वल टू एट इंटू एल पहले से, ही L पहले से तो यहां से जब एल निकालने जाएंगे तो वन पॉइंट टू फाइव मिली हेनरी आ जाएगा जब यहां तो हेनरी आ जाएगा क्लियर क्लियरिटी है क्लियरिटी है यस सर क्लियरिटी चल नेक्स्ट

नौकरी नहीं होती सर तो खुद की बीवी भी नहीं पूछती अरे कुत्ता नहीं पूछता घर के बाहर जो रहता है जाते हो तो बोलता है तुमको कभी है तेरे को बोला कभी और भैया हनी भैया हा, क्या हालचाल आपके कैसे हो आजकल दिखते नहीं हो तो कुत्ता भी नहीं पूछता ऐसा पूछ ऊँच लाके निकल जाता है। भी चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से कौन सा फ्यूल ऐसा है जिसकी सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी बेटा लकड़ी की एलपीजी हाइड्रोजन कैरोसिन इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा है क्लियर लेकिन वुड जो है लकड़ी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है है ना सबसे कम होती है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट मैग्नेटिक सर्किट इज अप्लाइड एक मैग्नेटिक सर्किट को हम अप्लाई करते हैं करंट दैट चेंजेस एट अ रेट ऑफ 5 एंपियर पर सेकंड द सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी देन द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी एक मैग्नेटिक सर्किट को जब हम अप्लाई करते हैं करंट दैट चेंजेस एट अ रेट ऑफ 5 एंपियर पर सेकंड

और बेटा डी आई बाई डी टी होता है चेंज इन कितना है फाई। तो फाई कितना हो जाएगा? टेन। लेकिन हमको किसने दिया था फ्री में है ना लेंस लॉ ने तो इसलिए हमने पे क्या लगा माइनस टेन इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन क्लैरिटी है यस सर एक बार दिल से सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे शेयर करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके बाद वाली जो क्लास है वो अलग ही लेवल पे आज ऑपरेट होने वाली है गाइस खतरनाक लेवल पे मजा आ जाएगा आपको इसकी बाद वाली क्लास में जो हमारी पांच बजे की क्लास है द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांटेज एक थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर का फंक्शन होता है वो क्या होता है एक थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर का फंक्शन होता है वो क्या होता है एक थर्मल पावर प्लांट में जब कंडेंसर का फंक्शन होता है तो वो क्या होता है जल्दी बोलेंगे बेटा अभी न्यू बैच ऑलरेडी आ चुका है न्यू बैच ही चल रहा है न्यू बैच ऐसा नहीं होता हर दिन लॉन्च होता है न्यू बैच 19 जून से लॉन्च हुआ 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा न्यू बैच ऑलरेडी आ चुका है तो पढ़ो बेटा उसमें से हो कोई क्या करते हो या, नया बैच उन्नीस जून से चालू किया बेटा अभी है ना चलो एक बैच को खत्म करने में डेडिकेटेड तीन से चार महीने लगते हैं तो नया बैच ऑलरेडी आ चुका है अब, अब और कौन से नया बैच का वेट करना है तो बेटा कंडेंसर का एक ही काम होता है कंडेंसर का, का काम ये होता है कि जो हमारी स्टीम है जो टर्बाइन पे टकराती है क्लियर हमारी जो स्टीम है जो टर्बाइन पे टकराती है उस टर्बाइन की स्टीम की अगर हम बात करें उस स्टीम की बात करें तो उसको कंडेंस करके पानी में कन्वर्ट करने का, का काम किसका है है ना उसका काम काम किसका है कंडेंसर का तो कंडेंस करना स्टीम इनटू वाटर अब मैं आपको बताता हूं बेटा रोज दिन मैं आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन लेके लेकर तो तीन चार दिन तक बट कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना मेरे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो क्या होता है कि हर दिन अगर मैं नए क्वेश्चन लेके आऊंगा तो शायद मैं इनसे बहुत दूर चला जाऊंगा तो इसलिए मैं इन इनको बीच बीच में डालता हूं मतलब हफ्ते में जैसे आज मैंने डाल दिया ये वो क्वेश्चन थे जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो आपसे

188 स्टूडेंट क्लास में और लाइक मात्र 112 हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस ताकि मेरी जो रिकॉर्डेड वीडियोस आती हैं इस स्ट्रेटेजी वाली या कुछ और वीडियोस जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड होती हैं वो वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहे राइट right? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है क्लियर तो मेरा टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूं है ना तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लोग गाइस ज्वाइन कर लीजिएगा अब आप बोलोगे सर क्यों इसको क्यों ज्वाइन करना सर इसमें ऐसा क्या है है ना तो इसमें ऐसा क्या है तो जरा मैं आपको बता देता हूँ क्या है ठीक है इसमें ऐसा क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा कि इसमें क्या है अब खुल जा भाई भाई नहीं खुल रहा रे रुक जाओ है ना तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताता हूँ इसमें ऐसा क्या है और मैं क्यों आपको उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ एम रुकना बेटा है ना जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं आज चले गए उनको कोई बुला रहा होगा ना है उनको कोई बुला रहा होगा भाई जा नहीं जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं जिनको लगता है कि उनको पढ़ाई करना है वो रुकेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं दो तीन चीजें बतानी है ना मेरे को अभी इसलिए बोल रहा हूँ चलो कोई नहीं तो बेटा मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहित कासनिया मोहित कासन्या K -A -S -A -N -Y -A, मोहित कासनिया बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है इसको सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा इसको ज्वाइन करने के पीछे का ये बोल रीजन है एक तो क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ मिलती है क्लास की लिंक आपको यहाँ मिलती है वो हजारों बच्चे बेटा यहाँ पे मिलते हैं जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं और वो हजारों बच्चे भी यहाँ पे आपको मिलते हैं जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं प्लस गाइस आप लोगों के जब मन की कुछ बातें होती हैं कुछ डाउट्स होते हैं बहुत सारे बच्चे थोड़े पैनिक कर जाते हैं किसी कारण को इसके लिए गाइस मैं आप लोगों के लिए लाइव आने वाला हूँ क्लियर इसके लिए बेटा मैं आपके लिए लाइव आने वाला हूँ और ये लाइव जो आऊंगा ना मैं है ना तो मैं लाइव आने वाला हूँ टेलीग्राम पे और ये लाइव में कब आने वाला हूँ तो जरा वो भी मैं आपको बता देता हूँ लाइव आने वाला हूँ बेटा मैं थर्सडे यानी कि कल और कल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर शाम को साढ़े बजे लाइव आने वाला हूँ तो शाम को साढ़े छह बजे कल मैं आप लोग के लिए यहां पे लाइव आने वाला हूं क्लियर तो इससे आपकी क्या होंगी जितनी भी परेशानियां होंगी जो भी बातें होंगी वो हम सब दूर करेंगे तो कल साढ़े छह बजे आप लोग लाइव रहिएगा जो हमारी वीडियो होगी लाइव की उस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए क्लियरिटी है क्या एप सोल्यूटली क्लियरिटी है सर चलिए तो यार यहां पर मैं लाइव आने वाला हूं आप लोगों के लिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी सारी प्रॉपर सारी चीजें दूर हो जाए ये टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा यकीन मानो एक अच्छा एटमोस्फेयर के साथ रहते हैं प्लस गाइज यहां पर आप लोगों के लिए मैं डेली क्विज कंडक्ट करता हूं रात को नौ बजे तो रात को नौ बजे आप लोगों के लिए डेली एक मेरी स्पेशल क्विज है जिसके सारे क्वेश्चन मैं खुद डिजाइन करता हूं तो ये टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए मेरी क्विज होती है तीसरा रीजन वाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको तो आपके जो एग्जाम आ रहे हैं जैसे वेस्ट वेस बंगाल पीएससी हो गया कुछ अलग अलग टॉपिक होते हैं जिनके क्वेश्चंस आपके पास नहीं होते हैं जिनके बारे में कंटेंट आपको नहीं पता होता है तो डेली अब आप लोगों के लिए एक टॉपिक की पीडीएफ क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरे द्वारा डिजाइन की हुई पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी जहां पे आप लोग सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो तो यार ये टेलीग्राम चैनल की इंपॉर्टेंस है तो प्लीज इसको ज्वाइन करें अब आती है इसके बाद की बात तो बेटा आप लोगों के लिए एक चीज और बताना चाहता हूँ जीवन में पहली बार एसी सर्किट के न्यूमेरिकल देखोगे और तांता कर दोगे तांता मतलब समझ जाना क्या होता है ठीक है चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें क्लियर इसके अलावा अगर हम बात करें तो पांच बजे अभी हम इसके लिए मिलने वाले हैं और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोगों के लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने अपना लाइव बैच स्टार्ट कर दिया एस एस सी जेई एन एच पी सी जैसे एग्जाम्स के लिए तो यार अब देर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आते हो या इस वीडियो के नीचे पिन करते हो है ना जब भी आप क्या हो गया भाई हाँ इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो तो बेटा आप लोगों को मेरा लाइव बैच यहाँ मिलता है देश की वो पहली पसंद देश के उन हर बच्चों की पहली पसंद जिसने आपको इसको पसंद पसंदीदा बनाया वो है आपका ए जी इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन और जैसे आप ए इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करते हो जैसी आप लोग ए जे इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करते हो जैसी आप लोग ए जे इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है वो मेरा लाइव बैच जिसका नाम है अचीवर्स बैच कोई बच्चा नेटवर्क में वीक हो सर्किट थ्योरी में वीक हो मशीन पावर सिस्टम कुछ में भी वीक हो सारा डिटेल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अकेला मैं ही इस पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं प्लस आपको मिलता है मेरा एनएचपीसी का बैच डीएफसीएल का बैच बार का बैच झारखंड एसएससी का बैच नॉन टेक का बैच स्टेट स्पेसिफिक जीके करंट अफेयर्स का बैच ये सब आपको लाइव देखने को मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म और इंजीनियर्स अकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट के बैच कॉन्टेंट टीचर्स देन बात करें तो आप लोगों को मिलती है बेटा मेरे हर एक एग्जाम की यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो हजारों बच्चे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड है और इसका प्राइस छह महीने के लिए मात्र फोर सिक्स वन नाइन रूपीज का और जब छह महीने के लिए इसका प्राइस मात्र फोर सिक्स वन नाइन का है तो ये प्राइस भी आपका फोर टू एट नाइन का हो जाता है अगर आप लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड मोहित के अप्लाई करते हो तो ये सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखिए इतने का प्रोवाइड करता है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो ज्वाइन कर लीजिएगा फिर से एक बार और लिख देता हूं टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे आपको एक मैसेज आएगा वेलकम का क्लियर और एक लिंक भी आएगी आपको साथ में वेलकम की ताकि आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर पाए और वहां पर भी मैसेज कर पाए तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे आपको एक मैसेज आएगा वेलकम टू दी ग्रुप और आपको एक डिस्कशन चैनल की भी लिंक आएगी क्लियरिटी है क्या हेप सल्यूटली क्लियरिटी है चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सो थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर एंड लव यू एवरीबी